और नौजवान उभरते हुआ शायर जनाब अली बाग बंकी और मोहतरम निखत अमरोही साहिब, तीन हजरात का कलाम आप हजरात को समाप्त करना है। दोस्तों परवीन शाकिर जो पाकिस्तान की शायरा है, उसने एक शेर कहा था कि कमाल जब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, कमाल जब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगा। दोस्तों जिस वक्त ये शेर कहा गया था तो ये तसव्वुर किया जाता था कि सिर्फ निस्वानी शायरी पाकिस्तान में होती है, लेकिन जब हिंदुस्तान से अंजुम रहबर ने यह शेर कहा कि दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में, दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में, मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था। तो दोस्तों ये हिंदुस्तान की निस्वानी शायरी थी जिसकी नुमाइंदगी अंजुम रहबर साहिबा ने की, और दोस्तों ये सिलसिला वहां से होता हुआ आज निखत अमरोही तक आ पहुंचा है। एक बहुत मोहतबर व मुस्तनद शायरा जो सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर वो चाहे अरब कंट्रीज हों या अरब अमीरात के ममालिक हों, वहां भी उनकी शायरी को बहुत अदब और एहतराम के साथ सुना जा रहा है। मुशायरों की एक बहुत मोहतबर व मुस्तनद शायरा मोहतरमा निखत अमरोही साहिबा से यहाँ पर गुजारिश की जा रही है कि बराए कम वो तशरीफ लाएं। अली साहब आप भी अंदर आ जाइए, थोड़ी सी हमें भी दादो तहसीन मिल जाएगी आपकी, आ जाए आप अंदर। हाजरीन महफिल अस्सलामु अलैकुम। इस कामयाब मुशायरे के लिए सबसे पहले आप सभी को मुबारकबाद पेश करती हूँ, और ये मुशायरा कामयाब होना भी था क्योंकि इसकी सदारत बड़े भाई हाजी वसीम अहमद साहब फरमा रहे थे। हमारे बड़े भाई जिगर नौगामी साहब तशरीफ फरमा है, आलम भाई जिनका हुक्म हुआ हमारी यहाँ हाजिरी हुई, उसमें एक अहम रोल वसी भाई का भी है क्योंकि मेरा तो आखिरी मोमेंट पर आने का प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया था, मगर खैर आप सभी की मोहब्बतें, हर किसी ने बहुत अच्छा पढ़ा, सभी शुरा ने और आपने भरपूर दुआओं से नवाजा, जहाँ जहाँ अच्छा शेर आया उसकी हिफाजत की, शेर की पजीराई की, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं यहाँ से सबसे पहले एक मतला चंद शेर पढ़ती हूँ, उसके बाद वो गज़ल जिसके लिए आलम भाई ने मिसरा दिया मिसरा तरह, मगर मैं ये सोच रही थी, कंफ्यूज हो गई थी कि आलम भाई को ये मिसरा किसने दिया है, लगता है ये भाभी ने दिया होगा। ये मिसरा हकीकत में भाभी ने दिया होगा क्योंकि जगाएंगे रात भर, ये रात भर जो लतीफ थी ना वो बड़ी खतरनाक थी ना, वो तो बाद में, खैर वो मैं उनसे पूछ लूंगी, अंदर बैठी हुई है दरअसल यहाँ से एक मतलब चंद शेर। आप ही कहिए हम लोग क्या है। भाई सबसे पहले एक चीज और रह गई, सबसे पहले नए साल की बहुत मुबारकबाद आप सभी को, सन 2022 शुरू हो गया है और इसी नए साल में आप सभी के लिए और अपने लिए अपने हक में दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सभी को ढेरों इज्जतों से नवाजे, गम दूर हो और खुशी नजदीक आए, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और आप। हाँ ये बात सही है, पढ़ते सुने। आप ही कहिए हम लोग क्या हैं, आप ही कहिए हम लोग क्या हैं, आप ही का तो हम आईना है, आप ही का तो हम आईना है। शेर पढ़ती हूँ समाप्त कीजिएगा, कि आपसे हम न बोलेंगे हरगिज, जिगर भाई सुनिए, कि आपसे हम न बोलेंगे हरगिज,
चाहिए आपसे हम खफा हैं, वाह 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 वाह, आपसे हम खफा हैं, वाह 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 वाह, जाइए आपसे हम खफा हैं, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, हम तो मेहमान हैं आज कल के, हम तो मेहमान हैं आज कल के, हम तो मेहमान हैं आज कल के, आप होंगे अगर देवता हैं, आप होंगे अगर देवता हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप होंगे अगर देवता हैं। ये शेर भी पढ़ती हूँ समाज की जगह, बहुत अच्छा है, वाह, कि रहनुमाओं से मंजिल ना पूछो, रहनुमाओं से मंजिल ना पूछो, रहनुमाओं से मंजिल ना पूछो, खुद ही भटके हुए रास्ता है, वाह वाह वाह, हुए रास्ता है, क्या कहने हैं, वाह वाह, भटके हुए रास्ता है। अब ये उस्ताद शायर हमारे बैठे हैं, जिगर भाई, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और जिगर भाई हमारे बड़े भाई हैं, उस्ताद शायर हैं, मैं पढ़ती हूँ समाज की जगह, कि जब से आए हैं रुकते नहीं हैं, जब से आए हैं रुकते नहीं हैं, जब से आए रुकते नहीं है, जब से आए हैं रुकते नहीं है, जब से आए हैं रुकते नहीं है, धूप है छाँव है या हवा है, धूप जब से आए हैं रुकते नहीं हैं, जब से आए हैं रुकते नहीं हैं, जब से आए हैं रुकते नहीं हैं, धूप है छाँव है या हवा है, धूप है छाँव है या हवा है। आइए यहाँ से वो गजल जिसके लिए मिसरा मिला जी, आलम भाई की कुछ नहीं कर सकते, आलम भाई का तो कोई कुछ नहीं कर सकता, आलम भाई का कुछ करेंगे तो भाभी कर सकती है अंदर बैठी हुई। सुनिएगा समाज, भाभी आज पूछ लीजिएगा कि मिसरा क्यों दिया था उन्होंने, मैं पढ़ती हूँ सुनिएगा। तारीकियों में अश्क बहाएंगे रात भर, देखिए एक छोटी सी ताले बेल हूँ, बिना किसी अपने उस्ताद के भी कलम लगाए हुए इस शेर को मैंने पढ़ना शुरू किया, अब ये कहाँ तक गजल मेरी सही है ये जिगर भाई बताएंगे, मैं पढ़ती हूँ सुनिएगा। कि तारीकियों में अश्क बहाएंगे रात भर, तारीकियों में अश्क बहाएंगे रात भर, पानी के हम चराग जलाएंगे रात भर, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह वाह, पानी के हम चराग जलाएंगे, वाह वाह वाह, तारीकियों में अश्क बहाएंगे रात।
रात भर तारीकियों में। आज मैं भी पैसे इकट्ठे कर रही हूँ अपनी जेब में, मगर ये मुतमईन रही, पैसे मेरे पास नहीं जाने जाएंगे कहीं। ना अंदर से भाई, अंदर से पैसे क्यों आएंगे, अंदर के तो सब लोग के होंगे, खाविंद बाहर बैठे हुए हैं उनकी जेब से। कि तारीखियों में अश्क बहाएंगे रात भर, तारीखियों में अश्क बहाएंगे रात भर, पानी के हम चराग जलाएंगे रात भर। और ये शेर भी पढ़ती हूँ, बतौर खास समाप्त कीजिएगा, कि जुगनू भी आ गए हैं आयादत के वास्ते, जुगनू भी आ गए हैं आयादत के वास्ते, जुगनू भी आ गए हैं आयादत के वास्ते, तन्हाइयों का जश्न मनाए रात भर, तन्हाइयों का जश्न, बहुत अच्छा है रात भर, तन्हाइयों का जश्न मनाएंगे रात भर। एक शेर और पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा, कि सूरज के साथ उनकी भी आमद है सहन में, वाह, सूरज के साथ उनकी भी आमद है सहन में, अपना गरीब खाना सजाएंगे रात भर, अपना गरीब खाना सजाएंगे रात भर, अपना गरीब खाना सजाएंगे रात भर। पढ़ती हूँ, समझिएगा, ये शेर बतौर खास समाप्त कीजिएगा, कि बादे सबा को दे देंगे तोहफे के तौर पर, वाह, बादे सबा को दे देंगे तोहफे के तौर पर, बादे सबा को दे देंगे तोहफे के तौर पर, बादे सबा को दे देंगे तोहफे के तौर पर, कागज का एक चेहरा बनाएंगे रात भर, कागज का एक चेहरा बनाएंगे रात भर, बहुत अच्छा है, कागज का एक चेहरा बनाएंगे रात भर, वाह। ये शेर पढ़ती हूँ, हैरत हमें है तुमने ये कैसे समझ लिया, हैरत हमें है तुमने ये कैसे समझ लिया, हैरत हमें है तुमने ये कैसे समझ लिया, रुदाद अपनी तुमको सुनाएंगे रात भर, रुदाद अपनी तुमको सुनाएंगे रात भर, रुदाद अपनी तुमको सुनाएंगे रात भर। और ये तस्नीम का शेर मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा, कि यादों का एक काफिला आएगा दिन ढले, वाह, यादों का एक काफिला आएगा दिन ढले, यादों का एक काफिला आएगा दिन ढले, आंसू छलक छलक के सताएंगे रात भर, आंसू छलक छलक के सताएंगे रात भर, बहुत यादों का एक काफिला आएगा दिन ढले, यादों का एक काफिला आएगा दिन ढले, आंसू छलक छलक के सताएंगे रात भर। और मक्ता कुछ इस तरह कहा है, समाप्त कीजिएगा,
कि नकहत हमारे शहर के मुर्दा जमीर लो, नकहत हमारे शहर के मुर्दा जमीर लो, नकहत हमारे शहर के मुर्दा जमीर लो, आसिब बन के जहन में आएंगे रात भर, आसिब बन के जहन आएंगे रात भर, आसिब बन के जहन में आएंगे रात भर। वाह वाह वाह, उससे पहले ये पीछे बैठे हुए जो हमारे शोरा दोस्त है ना, ये थोड़े से दुश्मनी निभा रहे हैं। दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, वाह, दोस्ती का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्तों में भी पुरानी तो मैं भी हो गई हूँ, आपके शहर में तो बिल्कुल नया पढ़ रही हूँ, कि दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं, दोस्ती का भरोसा नहीं है, हाल दिल अपना किसको सुनाए, हाल दिल अपना किसको सुनाए, अब किसी का भरोसा नहीं है, हाल दिल अपना किसको सुनाए, अब किसी का भरोसा नहीं है, हाल दिल अपना किसको सुनाए। शेर पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। किन्हें सुनाऊं? वाह, मैं भाभी को सुना के जाऊंगी, सुनिएगा। के दीद को अब तरसती है आंखें, वाह, रात दिन ये बरसती है आंखें, दीद को अब दीद को अब तरसती है आंखें, रात दिन अब बरसती है लौट कर घर चले आओ बेटे, जिंदगी का भरोसा नहीं है, लौट कर घर चले आओ बेटे। जी मैं पढ़ती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कि दीद को अब तरसती है आंखें, रात दिन ये है आंखें, लौट कर घर चले आओ बेटे, जिंदगी का भरोसा नहीं है, लौट कर घर चले आओ बेटे। ये शेर भी पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि घर खुशी घर अचानक खुशी मिल भी जाए, दिल ये कहता है घबरा के हाय, गर अचानक खुशी मिल भी जाए, दिल ये कहता है घबरा के हाय, इस खुशी को भी खा जाएंगे गम, इस खुशी को भी खा जाएंगे गम, इस खुशी का भरोसा नहीं है, इस खुशी को भी खा जाएंगे गम। एक शेर पढ़ती हूँ,
जो मैंने अपनी छोटी बहनों के लिए कहा था, और इसका जो मेन वो है हिस्सा, वो इसका कोई एक ही किरदार है, सब इसका किरदार नहीं है, क्योंकि जैसे कि बहुत से लोग ये कह देते हैं कि मैं मर्दों के खिलाफ शायरी पढ़ती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन मर्दों में मेरे भाई का भी शुमार होता है, मेरे वालिद का भी शुमार होता है, मेरे बेटे का भी शुमार होता है। बहरहाल मैं ये शेर पढ़ती हूँ मशवरे के तौर पे अपनी छोटी बहनों के लिए, अगर सच्चा और अच्छा शेर हो, क्योंकि हर इंसान इज्जत रखता है और उसकी इज्जत की हिफाजत करती है उसकी बेटी, तो मैं ये शेर पढ़ती हूँ, सुनिए। इस खुशी का भरोसा नहीं है, इस खुशी को भी खा जाएंगे, मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम ना आना, मशवरा है मेरा मेरी बहनों, उसके बहकाए में तुम ना आना, कब मुकर जाए वादे से अपने, कब मुकर जाए वादे से अपने, आदमी का भरोसा नहीं है, कब मुकर जाए वादे से अपने, आदमी का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। क्यों भरोसा नहीं है? क्योंकि एक लड़की हो या एक लड़का हो, वो दूसरे पे या तो बहुत ज्यादा एतमाद करने वाले हों या भरोसा करने वाले हों और बिल्कुल एक हो जाएं, जहां कोई दोनों में से एक भी अगर किसी का साथ छोड़ता है तो उसकी कैफियत कैसे होती है, मैं इस शेर में बताती हूँ समाज के जगह। टूट कर मैं बिखरने लगी हूँ, अपने साए से डरने लगी हूँ, टूट कर मैं बिखरने लगी हूँ, अपने साए से डरने लगी हूँ, घर से निकली थी जिसके भरोसे, घर से निकली थी जिसके भरोसे, अब उसी का भरोसा नहीं है, निकली थी जिसके भरोसे, अब उसी का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे हैं। अब मक्ता पढ़ते हैं समाज की जगह, समाज के लिए बतौर खास, कि आपने दर्द नकहत को बख्शे, इतने हम दर्द क्यों बन रहे हैं, वाह, आपने दर्द नकहत को बख्शे, इतने हम दर्द क्यों बन रहे हैं, मैं तो हर हाल में मुतमईन हूँ, मैं तो हर हाल में मुतमईन हूँ, आप ही का भरोसा नहीं है, मैं तो हर, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, मुतमईन, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह, आप ही का भरोसा नहीं है, दोस्तों में भी दुश्मन छुपे। आइए मुझे गजल के लिए हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप बाहर आके बैठते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, ताकि आपकी दुआएं, जी आप यहाँ आ जाइए, बाहर से अंदर आ जाइए, अंदर से बाहर आ जाइए, दरअसल ये कवर्ड है, अब अंदर से बाहर कह लीजिए या बाहर से अंदर कह लीजिए, है दोनों एक ही। बहरहाल मैं ये गजल, बड़े भाई का, तो मैं ये गजल भी पढ़ती हूँ समाज की जगह। गमे हयात गमे दिल,
गमे फिराक नहीं। हाँ वाह वाह वाह, गमे हयात गमे दिल गमे फिराक नहीं। गमे हयात गमे दिल गमे फिराक नहीं। गमे हयात फिराक नहीं। बिछड़ गए हैं तो मिलने का इश्तियाक नहीं। क्या कहना है, क्या कहना है, बहुत दबाव। बिछड़ गए हैं तो मिलने का इश्तियाक। शेर बतौर खास पढ़ती हूँ समाज की जगह जी इरशाद। कि मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह। हाँ, मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह। मेरी गली से गुजरते हो अजनबी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। ये साजिश है, साजिश है, इत्तेफाक नहीं। बहुत उम्दा क्या क्या है, वाह वाह। एक और नाम जो मेरे जहन से निकल गया, हाजी शमीम साहब, जो इस बज़्म में ये सोते सोते ही आया है इधर। ये इंतकाम की साजिश है, इत्तफाक नहीं। ये इंतकाम की साजिश है, इत्तफाक नहीं। शेर सुनिएगा, शेर समाप्त कीजिएगा, आप लोग सुनिए खास तौर से पढ़ती हूँ। कि कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ। वाह, कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ। कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ। तमाम उम्र मजा। ये मैंने गिने नहीं, आप लोग गिन भी रहे हैं, इसका मतलब ये है। पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा है। वाह, कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ। कदम बढ़ाओ मोहब्बत में तमाम उम्र का बंधन है ये मजा।
बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। शबाब भाई वाह ऐसे लेटे हुए जैसे कि सलीम की याद में अनार कली लेती हो। सुनिएगा पढ़ते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, जान जान तो बिल्कुल भी नहीं बचा रही। अब आपसे जान बचा के जाया कहाँ जाएगा ये बताइए। मैं पढ़ती हूँ सुनिएगा। इशाद कि तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूँ रोशन, तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूँ रोशन, तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूँ रोशन, मेरी हया वाह 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 क्या उम्दा है वाह वाह वाह। मेरी हयात के कमरे में कोई रात नहीं, कमरे में कोई रात नहीं। बहुत उम्दा वाह। तहजीब भाई ने एक शेर पढ़ा, तलाक दे तू रहे हो गुरूर कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। एक शेर मैं भी पढ़ती हूँ सुनिएगा। वो पाकिस्तान की शायरा का शेर था, ये हिंदुस्तान की शायरा का शेर है। अता कीजिए अता कीजिए। ये कबूल कर लो ए नकहत बड़े खुलूस के साथ, कबूल कर लो ए नकहत बड़े, कबूल कर लो ए नकहत बड़े खुलूस के साथ, कबूल कर लो नकहत बड़े खुलूस के साथ, तुम्हारे प्यार का तोहफा है ये तला। वाह 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 बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह 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 के साथ, तुम्हारे प्यार का तोहफा है वाह। कबूल कर लो ए नकहत बड़े खुलूस, तुम्हारे प्यार का तोहफा है ये तलाक नहीं, तलाक नहीं। गमे बहुत अच्छा है।